जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद अली एंड आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में विजिट करेंगे ब्रांड न्यू 7 मरला अमेजिंगली बिल्ट डबल स्टोरी डबल यूनिट हाउस का। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। ये घर सेल के लिए अवेलेबल है, कैश पे इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। और इसकी जो प्रॉपर्टी आईडी है वो मैंने मेंशन कर दी डिस्क्रिप्शन में, आपने मुझे कॉन्टैक्ट करके आईडी लाजमी इन्फॉर्म करनी है। एंड अब चलते हैं, विजिट कंटिन्यू करते हैं। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इसका गेट का डिज़ाइन है, काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग किस्म का इसका जो गेट है वो डिज़ाइन किया गया है। स्पेशली गेट में आप देख सकते हैं कि जो कलर यूज़ किया गया है काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये ओपनेबल डोर है इसका और ये जो गेट है ये कम्प्लीटली हमारे पास स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। ये जी इसका कार रैम जिसमें कम्प्लीटली टफ टायर का इस्तेमाल किया गया है। फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है, 3 फेज मीटर है, ग्रीन एरिया भी फुल ऑलमोस्ट रेडी है। घर के अंदर मूव करते हैं तो सबसे पहले वी हैव गॉट द कारपोर्च ऑफ दिस हाउस। और ये आप देख सकते हैं कि कारपोर्च की फिनिशिंग, कारपोर्च की डिज़ाइनिंग काफ़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की है। सामने वॉल पर डिज़ाइनिंग हुई है कम्प्लीटली कारपोर्च का लुक इन्हेंस करने के लिए। ये हमारी है जी मेन एंट्रेंस और ये हमारी एंट्रेंस है अपर पोर्शन की। ये जिसका सीलिंग का डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव सीलिंग डिज़ाइनिंग है। और ये इसकी फ्लोरिंग, कार पार्किंग कैपेसिटी 2 गाड़ियों की है। साइड गली की तरफ आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है इसका अंडरग्राउंड वाटर टैंक और पानी की मोटर भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे डिज़ाइनिंग हुई भी है, कुरान पाक की आयत मेंशन है, काफ़ी अच्छा इसका लुक इन्हेंस हो रहा है। ये हमारा मेन डोर है, डबल डोर, काफ़ी अच्छा डोर है, सॉलिड वुडन वर्क यहाँ पर हुआ हुआ है। और ये है जी हमारा एंट्रेंस डोर अपर पोर्शन का। घर के अंदर मूव करेंगे मेन एंट्रेंस के थ्रू और सबसे पहले आपको मैं इसका प्लान समझा देता हूँ। ये हमारी छोटी सी एक आप कह सकते हैं कि लॉबी है, यहाँ से एक्सेस जा रही है अपर पोर्शन की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको पोर्शन वाइज रेंट आउट करना चाहते हैं तो सिंपली आपने यहाँ पर पार्टीशनिंग करनी है, एक्सेस बिल्कुल सेपरेट है। सामने हमारी मेन एंट्रेंस है जिसको आप लाउंज या लिविंग एरिया कह सकते हैं। राइट साइड पर टर्न करते हैं तो यहाँ पर वॉल लिस्ट डिज़ाइन हुई हुई है, इसमें फैंसी वॉलपेपर है, वेंटिलेशन विंडो है। और यहाँ पर आप वॉल देख लें, इसमें भी काफ़ी अट्रैक्टिव वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। ये फुल ऊपर तक ओपन है वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। यहाँ से हम टर्न करेंगे राइट साइड की तरफ तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज़ भी काफ़ी रीजनेबल है डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। वॉल लिस्ट डिज़ाइन हुई हुई है फैंसी वॉलपेपर के साथ। सीलिंग की हाइट ऑलमोस्ट 11 से 12 फुट की है। सीलिंग डिज़ाइनिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है। वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए डबल विंडोज़ और ये भी ओपनेबल डोर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक्सेस बाहर से भी हो सकती है अगर आप चाहें तो। बाकी इसकी टाइल फ्लोरिंग है, फैंसी टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है, स्कॉटिंग भी फैंसी है। तो फर्दर हम मूव करेंगे और सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हमारा मेन लिविंग एरिया यानी कि फर्स्ट टीवी लाउंज। तो जैसा कि हम सब कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, तो उसके काफ़ी अच्छे इंप्रेशन पड़ रहे हैं। सबसे पहले आप देख लें कि हमारे पास एलईडी पॉइंट है, इस पर काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइनिंग हुई हुई है, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, फुल मॉनिटरिंग हो रही है, वॉल पर डिज़ाइनिंग है निशेस की सूरत में। सामने हमारे पास मेन वॉल है जिसपे फैंसी वॉलपेपर अवेलेबल है फुल कंप्लीट वॉल पे। सीलिंग की हाइट अगेन आउटस्टैंडिंग है, अल अहमद कंपनी के सीलिंग फैन है। और ये हमारे पास आ गई इसकी टाइल फ्लोरिंग, फ्लोरिंग सेम वही है जो हमारे पास हमारे ड्राइंग रूम में थी। तो बात करते हैं फ्लोर प्लान की, तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं 2 बेडरूम्स विद अटैच बाथ, किचन, लिविंग एरिया एंड ड्राइंग रूम। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं बेडरूम। सो हेयर वी हैव द फर्स्ट बेडरूम और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बेडरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है। सामने कंप्लीट वॉलपेपर है फैंसी, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अमेजिंग इसका लुक आ रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और वॉल लिस्ट डिज़ाइन है, इसमें भी वॉलपेपर का इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये जिसकी सीलिंग की डिज़ाइनिंग, डार्क ब्लैक सीलिंग का फैन है हमारे पास। और ये इसकी वार्डरोब्स, अब द गुड थिंग इसके वार्डरोब का जो साइज़ है काफ़ी अच्छा है, फुल ऊपर सीलिंग तक अटैच है। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है। और इस तरफ अगर हम आते हैं तो हमारे पास आ जाता है इसका अटैच बाथरूम। अब बाथरूम का साइज़ भी रीजनेबल है, आप देख सकते हैं कमोड वाइट कलर का है। बाकी ये इसकी टाइलिंग आप चेक कर लें और वेंटिलेशन के लिए हमारे पास विंडोज़ हैं, साथ इसमें एग्जॉस्ट फैन आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड है। सो दोबारा से हम मूव करेंगे हमारे लिविंग एरिया की तरफ और आप सबको अगेन मैं व्यू करवा रहा हूँ। एक्चुअली आप सबको हर एंगल से व्यू करवाने का पर्पज़ ये होता है कि हाउस मैप और हाउस प्लान के बारे में तफसीलात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। टर्न करेंगे राइट साइड की तरफ, सो हेयर वी हैव द सेकेंड बेडरूम। अब इस बेडरूम का भी साइज़ काफ़ी अच्छा है एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इसके ये इसके आप देख रहे हैं डिज़ाइनिंग काफ़ी आउटस्टैंडिंग हुई हुई है, काफ़ी अच्छा इसका लुक इन्हेंस हो रहा है। कंप्लीट सीलिंग पर डिज़ाइनिंग अवेलेबल है हमारे पास और टाइल फ्लोरिंग एज इट इज सेम है। कॉर्नर में हमारे पास वार्डरोब्स हैं, 4 डोर वार्डरोब्स जो कि फुली हाइटेड हैं। यहाँ पर भी आपके पास स्टोरेज स्पेस आ गई और ऊपर भी आपके पास स्टोरेज स्पेस आ गई, विच इज़ वेरी गुड थिंग। कॉर्नर की तरफ आ जाते हैं
तो अटैच बाथ आ गया हमारे पास। वॉशरूम का साइज काफ़ी अच्छा है, कमोड वाइट कलर में है। आप चाहें तो यहाँ पे शावर एरिया की पार्टीशनिंग कर सकते हैं, प्लस टाइल डिज़ाइनिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है, और ये वेंटिलेशन विंडो। सो इस बेडरूम को विजिट करने के बाद हमारे पास आ जाता है राइट साइड पर इसका किचन। सो व्यूअर्स, ये फर्स्ट किचन है और क्लोज किचन है, और किचन का साइज माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। ये आप देख सकते हैं, सामने हमारा कुकिंग एरिया है और इस तरफ हमारे पास हमारा डिश वॉशिंग एरिया है। ये वॉल पे कम्प्लीटली टाइलिंग हुई हुई है, फैंसी टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है। HS कंपनी का हुड अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे, और स्टोव पे कोई मार्क नहीं है। आप देख सकते हैं होम टच कंपनी का स्टोव है। बाकी ये हमारे पास वेंटिलेशन विंडो है और ऊपर एग्जॉस्ट फैन है। सीलिंग डिजाइनिंग अगेन आउटस्टैंडिंग। चलते हैं बैक लॉन्ड्री की तरफ, तो कनेक्टेड यहाँ से हुई हुई है लॉन्ड्री। मार्बल की फ्लोरिंग है, ये आप देख लें, ये इसके सामने टैप्स और ये आगे हमारे पास गीजर के पॉइंट्स। तो इसी के साथ साथ आपको बताता चलूं कि हमारा जो ग्राउंड पोर्शन का विजिट है वो कंप्लीट हो गया है, और अब हम मूव करेंगे यहाँ से अपर पोर्शन की तरफ। तो व्यूअर्स, आपको ये बताता चलूं कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फॉर एग्जांपल, आप इसको लेके रेंट आउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी आपकी इनकम होगी, और अगर आप इसको अपनी पर्सनल लिविंग के लिए रखते हैं तो उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। सो हम आ चुके हैं अपर पोर्शन में। पहले आपके साथ में एक क्विक ओवरव्यू शेयर करता चलूं कि इन स्टेज के थ्रू अभी ऊपर आए हैं हम, और यहाँ से एक्सेस जा रही है छत की तरफ। सो एक ये बेडरूम है, बाकी रिमेनिंग बेडरूम सामने है हमारे पास, और सामने हमारा लिविंग एरिया है। सबसे पहले हम इस बेडरूम को देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बेडरूम का साइज़ एक तो काफ़ी अच्छा है, प्लस सामने काफ़ी फैंसी, काफ़ी अमेजिंग वॉलपेपर है। फोर डोर वार्डरोब हमारे पास आ गई बिल्कुल सेंट्रल एरिया में, फुली हाइटेड। और इसका जो वॉशरूम है ये आप देख लेंगे शेयरिंग पे आ रहा है, साइज काफ़ी अच्छा है। एग्जॉस्ट फैन आप देख सकते हैं कि ऑन है, और ये वॉशरूम जो है वो बेडरूम के साथ, यानी कि दोनों बेडरूम के साथ शेयरिंग पे आ रहा है। बाकी ये आ गया जी हमारे पास हमारा सेकेंड लिविंग एरिया, यानी कि सेकेंड टीवी लाउंज। खास बात यह है कि इस घर में दोनों टीवी लाउंज, यानी कि दोनों हमारे जो लिविंग एरियाज है, काफ़ी अच्छे साइज़ के हैं, यानी कि स्पेस को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है। बाकी आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के लिहाज से स्पेस को मैनेज भी कर सकते हैं। ये जी हमारा अगेन काफ़ी स्पेशियस बेडरूम आ गया। अब इस बेडरूम में हमारे पास जो है वॉलपेपर नहीं है, बट वॉलिशिश डिज़ाइन है। फोर डोर वार्डरोब्स हैं, और दिस इज़ द सेम वॉशरूम जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे हमारे पास आ जाती है वेंटिलेशन विंडो। अब आप देख लें कि ये वेंटिलेशन विंडो काफ़ी अच्छी जगह पर प्लेस हुई भी है, और यहाँ पे थ्रू आउट वॉल पे फैंसी वॉलपेपर है, काफ़ी अच्छा इसका लुक इनहेंस हो रहा है। तो इस बेडरूम को जो ही हम एग्जिट करते हैं और टर्न करेंगे राइट साइड पे, सो हियर वी हैव द लास्ट एंड फिफ्थ बेडरूम ऑफ दिस हाउस। अगेन द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग, ये डिज़ाइनर देख लें, कम्प्लीट सीलिंग पे अवेलेबल है, और रिमेनिंग वॉल पे सिंपल पेंट इस्तेमाल हुआ हुआ है। पेंट भी अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी फिनिशिंग के साथ यूज़ हुआ हुआ है। बाकी वार्डरोब्स एंड से गैस पॉइंट फुली कवर्ड है। ये आ गई जी इसका स्पेशियस वॉशरूम, कमोड वाइट कलर में है। अब यहाँ पे आप चाहें तो पार्टीशनिंग कर सकते हैं शावर एरिया की। सो दोबारा से हम आ चुके हैं लिविंग एरिया में, और ये आ गया जी इसका सेकेंड किचन। दोनों किचन हमारे पास माशाल्लाह अच्छे साइज़ के हैं, और अच्छी जगह पे प्लेस हुए हैं। स्पेस को मैंने जैसे बताया कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। अपर कैबिनेट्स एंड लोअर कैबिनेट्स कम्प्लीटली सेम कलरिंग में है, सेम थीम में है। तो हमने 7 मल्ला के अमेजिंगली बिल्ट हाउस के दोनों पोर्शन का विजिट कम्प्लीट कर लिया है। सो 5 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम अवेलेबल है। फर्दर हम मूव करेंगे छत की तरफ। तो छत पे नॉर्मली हर घर में हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर होता है अटैच वॉशरूम के साथ, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये छत का डोर है जी, मेटालिक डोर, अंदर की तरफ ओपन होता है ये। एंड हम आ चुके हैं छत पे, यानी कि रूफ टॉप पे। छत माशाल्लाह से काफ़ी स्पेशियस है, ये आप देख लें, कम्प्लीटली चिप्स इस्तेमाल की गई है यहाँ पे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये आपका स्टोर रूम। अब आप इसको स्टोर रूम बना लें या आप इसको एज ए पेट एनिमल रूम बना लें, फुली अप टू यू, क्योंकि काफ़ी अच्छे साइज़ का स्टोर रूम अवेलेबल है। बाकी सामने पानी की टैंकी, और सर्वेंट क्वार्टर,
एंड इसका वॉशरूम। तो विजिट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम मूव बैक करेंगे दोबारा से ग्राउंड पोर्शन की तरफ और आपके साथ में तमाम तर तफसीलात एक मरतबा फिर से शेयर कर देता हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमारा इस ब्रांड न्यू 7 मरला फुल डबल स्टोरी डबल यूनिट अमेजिंगली बिल्ट हाउस का विजिट कंप्लीट हो गया है। डिटेल जिस तरह से कि ब्रांड न्यू हाउस है, 7 मरला का फुल डबल स्टोरी डबल यूनिट हाउस है, फुल 5 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम भी है एंड अगर हम छत पे आते हैं तो छत पे भी हैव सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम। इस घर की जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है वो है 2 करोड़ 40 लाख रुपीज़, 2 करोड़ 40 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है, बट ये नेगोशिएबल डिमांड है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट करके घर के बारे में डील कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो विजिट हमारा कंप्लीट हो गया, नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।